नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे हैं आज 3 अक्टूबर, तीनों शिफ्ट के, 1 2 3 तीनों शिफ्ट के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि राम अपनी कतार में ऊपर से 14वें स्थान पर है तथा नीचे से 18वें स्थान पर है, तो कतार में कुल कितने छात्र होंगे? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था फ्रेंड्स कि एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इनमें से 44% मुस्लिम है, 28% हिंदू है और 10% सिख, और शेष जो हैं अन्य समुदाय के हैं, तो अन्य समुदायों की संख्या में कितने छात्र हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड, जिन दोस्तों का हमारा आंसर सही रहेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो मैं उनका नाम जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था कि यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ निकालिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 20 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, आप इसके आंसर जरूर बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, या कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि एक कक्षा में 50 लड़के हैं, उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है, यदि लड़का कक्षा छोड़ता है तो औसत 100 ग्राम से कम हो जाता है, तो कक्षा छोड़ने वाले लड़कों का वजन क्या है, ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, एक दिन 7/10 विद्यार्थी उपस्थित थे, उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट आया कि यदि किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाता है तो शेष 25 बचता है, यदि 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किसी खेल प्रतियोगिता में किसी एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां है तथा नीचे से 84वां है, तो कुल प्रतियोगी में कितनी संख्या है, यानी कि कुल प्रतियोगिताओं की संख्या कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि प्लस का अभिप्राय इंटू हो और इंटू का अभिप्राय ये एरो टाइप का बना है ना, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिए, है ना, कि आप इसको रफ में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 229 मीटर लंबे एक पुल को पार कर कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है। इसमें टाइम ज्ञात करना है कि कितने सेकंड में ये पुल को पार कर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत होता है, ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिए फ्रेंड्स, और मैं उन सभी फ्रेंड्स का नाम बताऊंगा जो 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 सही आंसर देंगे इस क्वेश्चनों का, ठीक है। नेक्स्ट था कि एक आदमी ने दो रेडियो जिनमें से एक को 10% की हानि तथा दूसरे में 10% पर लाभ पर बेचा, तो प्रतिशत हानि क्या होगी, तो इसमें प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 तथा 7 शेष बचे। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक में जिसकी कीमत 750 थी, 4% हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या था, इसका राइट आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट था कि एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है, कक्षा कि सभी लड़कों का औसत भार कितना होगा, तो आप इसका राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट था कि एक 5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े टैंक में पानी भरा है जिसकी गहराई 2 मीटर है, तो टैंक में पानी की मात्रा क्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
नेक्स्ट था कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी विषम संख्या है। तो इसमें से विषम संख्या आपको ज्ञात करना है कि इसमें से विषम संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज इतने ही, तीनों शिफ्ट से मिलाए गए क्वेश्चन है इसमें, 1, 2 और 3 शिफ्ट आज 3 अक्टूबर के फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये क्वेश्चन जितने भी आपको पसंद आए हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल GKDK एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकॉन पुश कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, GKDK एकेडमी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार, जय हिंद जय भारत।